हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो ब्रदर चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फोटोशॉप CS6 को कैसे इंस्टॉल करेंगे फॉर लाइफ टाइम के लिए। इसमें हम लोग की का इस्तेमाल करेंगे, क्लिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओनली की का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाता है। आप लोग स्टार्ट टू एंड तक देखें। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहां पर सेटअप प्लस की है, इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल के पर क्लिक किए। ओके किए, यहाँ नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए, यहाँ पर क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन किया और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर जो की है आपके पास, उस की को आप लोग यहाँ पर पुट कर दें। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। कॉपी करने के बाद वहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट किए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट किए, ये इंस्टॉल हो रहा है। ये फुल्ली प्रोसेस है आपको फोटोशॉप CS6 इंस्टॉल करने का, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिनिश कर दिए आप, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि फोटोशॉप पूरी तरह से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। फोटोशॉप को एडोब फोटोशॉप को ओपन किए, देखिए एडोब फोटोशॉप CS6 ये ओपन हो गया। इसको हम लोग चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। न्यू पर गए, इसको ओके किए। करने के बाद हम लोग पेंट में जाते हैं। पेंट में गए, कोई कलर चूज कर लिए। यहाँ पर कलर चूज करना है आप, मैंने ग्रीन पास ग्रीन इसको चूज कर लिया। इसके बाद टेक्स्ट में गए, यहाँ पर ओनली हम लोग चेक कर रहे हैं कि फंक्शन पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। मेरा मेन मकसद यही है। यहाँ पर व्हाइट कलर चूज किया राइटिंग के लिए। यहाँ लिखते हैं अपना साइज छोटा है, तो इसको हम लोग बड़ा करते हैं। और यहाँ पर लिखे टेक्नो ब्रदर। हम लोग टेक्स्ट के लिए क्लिक किए, यहाँ पर चैनल हम लोग लिख दिए। कंट्रोल टी सेलेक्ट करके टेक्नो ब्रदर को कंट्रोल टी दी है, उसके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर वाले हम लोग चेक किए कि पूरी तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं। ये हो गया। ये अप्लाई कर दिए यहाँ पर। इसको चैनल को भी हम लोग इसी तरह कंट्रोल टी सेलेक्ट करके पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको कंट्रोल टी पुश करेंगे। कंट्रोल टी पुश करके इसको बढ़ा सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहे हम लोग कर सकते हैं।
का हम लोग वहाँ पर इसको अप्लाई कर दिए बस। देखिए ये हम लोगों का काम पूरी तरह से अच्छी तरह कर रहा है। आप लोग इस सॉफ्टवेयर का एंजॉय करें। इस सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत से लोगों को एडोब फोटोशॉप हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के जरिए, प्लस इसमें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से इंस्टॉल करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक एंड कॉमेंट्स भी करें। अगर कोई तरह की समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। थैंक्स।